9 जुलाई को जब टीवी इंडस्ट्री से खबर आई कि अब कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का रोल निभाने वाले एक्टर कवि कुमार आजाद नहीं रहे, ये सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया था। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था। वहीं हर कोई यही सोच रहा था आखिर उनका कैरेक्टर अब कौन निभाएगा। कवि को गुजरे हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस शो के मेकर्स को उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है। सोर्सेस की अगर माने तो आए दिन इस रोल के लिए ऑडिशन लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा शख्स नहीं मिल पाया है जो कवि कुमार की तरह एक्टिंग कर सकता हो। ये तो हर कोई जानता ही है कि वो हर किसी को अपने एक्सप्रेशन से हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया करते थे। वहीं मेकर्स का कहना है कि हमें डॉक्टर हाथी जैसे ही किसी टैलेंट की ज़रूरत है। उन्होंने अपने अभिनय से अपने रोल का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया है कि उनके जैसा कोई ढूंढना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, पहले खबरें आ रही थी कि एक्टर निर्मल सोनी को ये रोल दिया जाएगा, लेकिन शो के मेकर्स के साथ उनकी पहले अनबन हो चुकी है और वो शो पहले छोड़ कर जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें फिर से मेकर्स नहीं अप्रोच करना चाहते हैं। वेल, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक इस शो को नया डॉक्टर हाथी मिलता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।